हेलो फ्रेंड, आपको देवभूमि फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आपको लाए हैं देव बालकमेश्वर भंगरोई जी की नई कोठी के दर्शन करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे यज्ञशाला में इस कोठी के जो प्रधान प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और ये है हमारे देवता जी जिनका हम आपको एक अलग सी वीडियो भी दिखाएंगे। तो इस कोठी के भव्य निर्माण का इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवाएंगे, दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको दर्शन करवाते हैं देवता जी के। देव भंगरोई जी के हमारे मेन भंडारी जी हैं हमारे तेजराम ठाकुर जी, जो आपको इस नव कोठी निर्माण के बारे में, देवता जी के बारे में नॉलेज, हाँ जी, इसके बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो का मकसद हमारा है कि देवता जी के इस नई कोठी भंडार का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, कैसे निर्माण कार्य इसका संपन्न हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो इसके बारे में हमारे को बताएंगे हमारे तेज सिंह ठाकुर जी। तो बताएं सर आप। नमस्कार, देव बाला कामेश्वर भंगरोही के चरणों में नमस्कार। ये जो कोठी का निर्माण हुआ है, पिछले 4 वर्षों से इसका कार्य चला हुआ है और 4 वर्षों के बाद ये पूर्ण हुआ है। और आज जो है इस नव भंडार गृह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और देवता जी इसमें विराजमान हुए हैं। पिछले 5 दिनों से यज्ञशाला में जो कार्यक्रम था नया, ये यज्ञशाला है, यहाँ पे कार्यक्रम था चला हुआ, इसमें जो है देवता को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 5 दिन तक चला। उसके बाद 5 दिन के बाद अपने इस स्थान से देवता जी अपने नए भंडार गृह में आए और जो भी हमारा विधिवत परंपरागत सिस्टम होता है उसी अनुसार ये कार्यक्रम हुआ है। और जो भी सबके सहयोग से सीमेंट, पत्थर, रेत, बजरी, लकड़ी इत्यादि जो भी है भक्तों ने भेंट किया और कुछ दिन लगाए मिस्त्री जो बार बार से हमने कार्य के बुलाए थे सराज वैली से, तो उन्होंने एक कार्य की हुई है। बहुत ही सुंदर निकासी देख सकते हैं आप,
आपको वीडियो में हम पहले भी दिखा देंगे इसके बारे में थोड़ा सा अलग से, लेकिन इस कोठी को निर्माण में लगभग कितनी लागत आई है इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी, इसको हमारे अगर लोगों का श्रमदान भी जोड़ा जाए तो लगभग 125,000,000 रुपए के इसमें लगा। लेकिन जो हमारा पैसा ही पैसा लगा वो 85,00,000 रुपये लगा। बाकी भक्तों ने लकड़ी काम दिए, लोहे का जो मतलब सरिया सीमेंट थोड़ी चीजें जो लगती है हर चीज को देखते हुए कम से हम 1.5 से 2 करोड़ तक इसकी लागत जी, आप मान सकते हैं जो हुई है। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कई बार लगा जाते हैं उस चीज की उसकी कोई गिनती नहीं है इसमें। हाँ जी, उसमें कितना सामान लगा ये तो 3-4 लाख रुपए का तो यही है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ऐसा सुना है कि जो हमारा देवव्रत है देव बंगरोई जी का, उसमें भी कुछ परिवर्तन हुए हैं नए तरह से, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? उसमें जो हमारे प्राचीन मुख होते हैं मोरे जिनको बोलते हैं, वो अब पिछले मतलब 100 सालों से जो बने हैं वो बुजुर्गों के टाइम के बने हुए हैं। उसमें हमने जो है चेंज किया हुआ 3 मेन जो है मलिमुख जिसको बोलते हैं उसको छोड़ के 3 नए मोरों का निर्माण किया और उनकी भी अभी जो है प्रतिष्ठा इस भंडार के साथ साथ हुई है। तो मतलब जो रथ हम आज देख रहे हैं इस वीडियो में वो एक 900 रूप में है और बड़े ही सुंदर भव्य आप लोगों ने इसके लिए से माला लगी है। हाँ जी, और ये जो उसमें जिनको जानू बोलते हैं कितने, हाँ जी, वो भी नए लगे हुए और मतलब इसमें चेंज किया हुआ है जो पुराने वाले थे उसको थोड़ा चेंज कर दिया। जो मतलब कपड़े का जो वस्त्र है नेता का वो भी नया। तो इस आयोजन के लिए आप लोगों ने दूसरे देवी देवताओं को भी काफी मंडी के जो विख्यात देवता है हमारे, तो लगभग कितने देवताओं को आपने निमंत्रण दिया था? इसमें हमने लगभग 130 देवताओं को बुलाया। 130 जो मंडी के हमारे मुख्य देवता हैं उनके कारदार वगैरह इसमें कमेटीदार उन्होंने भाग लिया इसमें। और आप लोग सच में बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहे थे कि इस कोठी निर्माण में और जो देवता का जो हमने रथ का नया स्वरूप मोरे चेंज किए हैं उसको किस तरह से मॉडिफाई किया गया है और समय की एक जरूरत थी जो सभी भक्तजनों के सहयोग से कारदारों के सहयोग से, सभी के नाम तो हम नहीं ले पाएंगे, मतलब सभी के योगदान से देवता जी की कृपा से ये आज संभव हुआ है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो हम आपको वीडियो में कुछ और भी पार्ट दिखाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी प्राप्त हुई हो खाने का। और यहाँ पे एक भव्य आयोजन जो रहा लंगर का, तो उसमें भी लगभग कितना आपका एस्टिमेट? 10 लाख रुपए खर्च है। मतलब उसमें जो हमारे बकरे वगैरह लगते हैं ना, हाँ जी, वो भी सारे डोनेटेड है। मतलब डोनेटेड है लोगों द्वारा, हाँ जी, लोगों के द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। और जो चावल है, जो हाँ जी घी है, तेल है, वो पैसे कई। तो लगभग कितने लोगों का एस्टिमेट आप मान के लेके चल रहे हैं कि इसमें आएंगे? इसमें जी 10,000 लोगों 10,000 लोगों का अनुमान रहा है, इससे ऊपर ही हो सकते हैं तो चलो आप लोग सच में बहुत बधाई के पात्र हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी प्राप्त हुई हो। इसका सिर्फ बताने का ये था कि थोड़ा सा पता चले हमारे हरिद्वार के लोगों को, बाहर के भक्तों को। बाकी हमारा कोई इसमें कोई निजी स्वार्थ किसी का नहीं है, ना कोई बखान करना चाह रहे हैं। ये देवता जी की कृपा से ही, आप लोगों के जन सहयोग से ही सम्पन्न हुआ है कार्यक्रम। तो देवता जी अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखें। तो आप देवता जी की तरफ से क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? जो देवता जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं उन सबको मैं लव देवता की तरफ से भी उन सबको जो भी है आशीर्वाद देवता का बना रहे। देव बाला कामेश्वर बंगरोई जी की नई कोठी का भव्य नजारा। बहुत ही सुंदर निकासी।
जब आपको लेके चलते हैं हम ऊपर, दिखाते हैं अंदर का एक सुंदर नज़ारा जहाँ विराजमान रहेंगे हमारे मालिक। और ठीक ठाक है आयुष्मान। प्राचीन करंडी और इस नई करंडी में है जो मोहरे अभी नए रिप्लेस किए गए। कम से कम 2 लीटर दे। कोठी की बैक साइड जहाँ चला है भंडारे की व्यवस्था। मंदिर कोठी से मोवी सेवी जी का नज़ारा, मेन बस स्टैंड श्री राम मंदिर। बेहद ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ से देखने को, और बल घाटी धुंध से पैक हो रखी है। मंदिर के दूसरे कॉर्नर से आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर कोठी का निर्माण संपन्न हुआ है। भंडार अब हम आपको दिखाते हैं। शाकाहारी पंडाल हमारे यहाँ पे मेन कार्यकर्ता इनसे मिलिए। देखिए ये हमारे यहाँ पे व्यवस्था बने, ये मंडियाली धाम जो कि बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी धाम है और नॉन वेज की धाम की वीडियो हम अगले तरफ से दिखाएंगे। ते हैं कितना बड़ा भव्य आयोजन है। और यह है यहाँ पे शाकाहारी भोजन की रसोई, और ये है पंडाल में व्यवस्था, बहुत ही उचित व्यवस्था यहाँ पे हमारे नौजवानों ने की हुई है, जिसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, उचित व्यवस्था कमेटी के और यंग ब्लड हमारी बधाई के पात्र हैं। ओह तो हिमाचल में जो देव कार्य है, खासकर हमारे यहाँ पे मंडी कुल्लू क्षेत्र के, इसमें मांसाहारी धाम का आयोजन होता ही है जो कि देव प्रसाद के रूप में होता है। और यहाँ पे व्यवस्था चली हुई है खाने की।
मंडियाली धाम परोसते हुए हमारे बोटी, बहुत ही जबरदस्त नजारा। और ये बैक साइड से बोटी का भव्य नजारा जो हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर निकासी। मंदिर पंडाल और यहाँ से बल्ल वैली का पूरा विहंगम दृश्य जो कि अभी देखने को मिल रहा है। ये है नेर चौकड़ी डोर। और ये मौबीसेरी का सुंदर नज़ारा आप देखिए, काफी सुंदर नज़ारा। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से। और देवता जी को नई कोठी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देवबाला कमिश पर भंगरुई की नई कोठी का दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। सभी देवलुओं श्रद्धालु भक्तों के योगदान से यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। सभी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। एक बार जरूर मौबीसेरी में आएं और देवता जी के नई कोठी का दर्शन करें। जय बाला कमेश्वर भंगरुही। अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखें।